इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका है। जहां अब तक ये खबर आ रही थी कि टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल एजबेस्टन में होने वाले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, वहीं अब केएल राहुल की इंजरी को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक केएल राहुल पूरे इंग्लैंड दौरे से ही बाहर हो गए हैं और अब हमें इंग्लैंड दौरे पर किसी भी फॉर्मेट में राहुल भारतीय टीम से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दरअसल साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने से ठीक पहले ग्राइन इंजरी के कारण राहुल को क्रिकेट से दूर होना पड़ा है और अब बीसीसीआई से मिल रही जानकारी के बाद इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि केएल आने वाले इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएंगे और इस दौरान बूढ़े भारतीय ओपनर को जर्मनी में इलाज के लिए भेजने का प्लान कर चुका है। ऐसे में एक बड़ी सीरीज से पहले राहुल का बाहर हो जाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से राहुल के रिप्लेसमेंट के रूप में किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अगर केएल का रिप्लेसमेंट चुना जाता है तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो यहां बाजी मारता हुआ नजर आ सकता है? तो आखिर केएल के बाहर होने से किस भारतीय बल्लेबाज को मिल सकती है टीम इंडिया में जगह और ऐसे कितने ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको लेकर सिलेक्टर्स कर सकते हैं विचार, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू हो रहा है, जहां सबसे पहले 1 से 5 जुलाई के बीच दौरे पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि पिछले दौरे पर अधूरी रह गई टेस्ट सीरीज के नतीजे को पूरा करेगा। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 और ODI सीरीज होनी है। ऐसे में टीम इंडिया को इंग्लैंड की कंडीशन में तीनों ही फॉर्मेट में कड़ी चुनौती मिलनी तय है। फिलहाल आखिरी बचे हुए टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, लेकिन दौरा शुरू होने से पहले टीम में शामिल केएल राहुल चोट के चलते बाहर हो चुके हैं और ऐसे में टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। हालांकि स्क्वाड पर नजर डालें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए भारत के पास शुभमन गिल का विकल्प मौजूद है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ओपनर इस टीम में शामिल नहीं है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि केएल राहुल की जगह किसी नए ओपनर को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। इन सूरत हाल में ये 3 नाम ऐसे हैं जो सिलेक्शन रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मयंक अग्रवाल का, जो कि राहुल की जगह स्क्वाड में शामिल होने के प्रबल दावेदार होंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से मयंक बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इंग्लैंड दौरे की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन अब राहुल के बाहर हो जाने से मयंक के लिए वापसी की राह आसान हो सकती है। जहां पिछले इंग्लैंड दौरे पर मयंक अग्रवाल टीम में शामिल थे, लेकिन उनके चोटिल होने पर केएल राहुल को मौका मिला था, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से लपकते हुए सीरीज में 315 रन बनाकर टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली थी और आज टीम के उपकप्तान बन चुके हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा मयंक को दोहराना पड़ेगा अगर उन्हें राहुल की जगह भारतीय टीम में मौका मिलता है तो। लेकिन मयंक के अलावा भी 22 वर्षीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शाह चयनकर्ताओं के रडार पर होंगे। हालांकि लगातार अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना पृथ्वी के खिलाफ जा सकता है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेला था। उसके बाद से ही पृथ्वी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। राहुल की जगह लेने के लिए भारत के एक और युवा ओपनर प्रियांक पांचाल को भी देखा जा सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद प्रियांक को कई बार भारतीय टीम में शामिल तो किया गया, लेकिन आज तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया। उन्हें पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर स्टैंड बॉय खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर भी वो टीम में थे और श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुए घरेलू सीजन में भी उन्हें टीम में जगह मिली थी, लेकिन कभी भारत की प्लेइंग 11 में प्रियांक फीचर करते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल के रिप्लेसमेंट के रूप में सिलेक्टर्स उनके नाम पर विचार करते भी हैं या नहीं। हालांकि दोस्तों, क्योंकि पूरे दौरे पर सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला जाना है, ऐसे में शायद ही इस फॉर्मेट में केएल राहुल का रिप्लेसमेंट चुना जाएगा, लेकिन T20 और ODI फॉर्मेट में संभावना है कि राहुल के जगह किसी खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले पृथ्वी शाह वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें इंग्लैंड दौरे पर T20 की टीम में मौका मिल सकता है। पृथ्वी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेम इंग्लैंड की कंडीशन को भी काफी सूट कर सकती है। फिलहाल रोहित शर्मा और ईशान किशन T20 टीम के फर्स्ट चॉइस ओपनर रहेंगे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के भी T20 स्क्वाड में होने की संभावना है। वहीं अगर ODI फॉर्मेट की बात करें तो रोहित शिखर धवन के बाद तीसरे ओपनर के लिए ईशान किशन से पहले ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जा सकता है।
गायकवाड़ का गेम 50 ओवर के क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऋतुराज इस फॉर्मेट में बड़े बड़े स्कोर लगा सकते हैं और उनके पास वो खेल भी है जिससे कि वो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने में भी कामयाब हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से केएल राहुल का बाहर होना भारत के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? साथ ही आप केएल राहुल की जगह किसे टीम में मौका मिलते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।